नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल यूपी पाठशाला पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाच्य। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे वाच्य होते क्या हैं, वाच्य की परिभाषा क्या होती है। देखो, वाच्य को जो हम इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, और वाच्य की वास्तव में परिभाषा क्या होती है। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। तो वाच्य की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी, वाच्य क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि वाक्य में हमारी कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि क्रिया के लिंग व वचन, क्रिया के लिंग व वचन कर्ता के अनुसार है, कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या इनमें से किसी के अनुसार भी नहीं है। तो वाच्य की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। वाच्य को इंग्लिश में हम वॉइस कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते थे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये वही है, ये वही वाले वाच्य हैं हमारे। तो वाच्य की डेफिनेशन तो हमारी हो गई। अब हम पढ़ेंगे वाच्य के प्रकार, वाच्य के हमारे कितने प्रकार होते हैं। देखो, वाच्य के प्रकार, वाच्य के हमारे हिंदी में होते हैं तीन प्रकार। हिंदी में हमारे तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। नंबर एक, कर्तृवाच्य, इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। नंबर दो पर आते हैं हमारे कर्मणि वाच्य, कर्मणि वाच्य, इसे हम कहते हैं क्या, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इंग्लिश में तो हमारे दो वाच्य होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हिंदी में हमारे तीन होते हैं। तीसरे नंबर का होता है हमारे हिंदी में क्या, भाव वाच्य, भाव वाच्य। इंग्लिश में कहते हैं इम्पर्सनल वॉइस, इम पर्सनल वॉइस। तो देखो, हमारे हिंदी में तीन प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मणि वाच्य और भाववाच्य। अब हम समझेंगे इनके बारे में कि कौन से वाच्य हमारे कर्तृवाच्य होते हैं, कौन से कर्मणि वाच्य होते हैं और कौन से हमारे भाववाच्य होते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कर्तृवाच्य। अब हम समझेंगे कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य हमारे क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस, देखो मैंने वाच्य की आपको डेफिनेशन बताई थी। वाच्य क्या होते हैं, वाच्य जो, वाच्य के द्वारा हमें यह पता चलता है कि क्रिया के लिंग वचन वाक्य में कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है। तो कर्तृवाच्य में देखो क्या होता है हमारा, क्रिया के लिंग व वचन, क्रिया के लिंग व वचन किसके अनुसार होंगे, क्रिया के लिंग व वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार, कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार होते हैं। सबसे बड़ी पहचान हमारी कर्तृवाच्य की यही होती है। डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, क्रिया के उस रूपांतरण को जिसमें क्रिया के लिंग व वचन कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार होते हैं, कर्तृवाच्य होता है। डेफिनेशन तो इसकी हो जाएगी, पर आपको डेफिनेशन नहीं आएगी, आपको वाक्य आएगा उसमें छाटना कि वाक्य हमारा कर्तृवाच्य है कर्मणिवाच्य है। तो देखो पहचान क्या, क्रिया के लिंग व वचन किसके अनुसार होंगे, कर्ता के अनुसार होंगे, कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार होंगे। और इसकी पहचान क्या, देखो इसमें सकर्मक व अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, सकर्मक व अकर्मक, इनमें दोनों प्रकार की हमारी क्रियाएं आती हैं, सकर्मक क्रिया भी आती है और हमारी क्या, अकर्मक क्रिया भी आती है। अब आपको पहचान कैसे करनी, देखो मैं आपको वाच्य की पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना, आपको सबसे पहले देखना कि क्रिया का लिंग व वचन हमारा क्या है, क्रिया का लिंग व वचन, लिंग व वचन सबसे पहले देखना हमें कि हमारे क्रिया के लिंग व वचन क्या है, नंबर एक हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे
कर्ता व कर्म के लिंग व्यवचन, कर्ता व कर्म के लिंग व्यवचन। अगर हमारे इन दो पॉइंटों के द्वारा पता नहीं चल रहा तो अब हम क्या करेंगे, कर्ता व कर्म का रूप परिवर्तित कर कर देखेंगे। कर्ता व कर्म का रूप परिवर्तन, कर्ता व कर्म का रूप परिवर्तन कर कर देखेंगे। देखो आपको मान लो कोई वाक्य दिया, जैसे वाक्य दिया उसने राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, आपका वाक्य है ये राम पुस्तक पढ़ता है, वो पूछ रहा है कि इसमें हमारा कर्तृवाच्य है या इसमें हमारा कर्मवाच्य है भाववाच्य है। तो आपको देखो पहचान कैसे करनी है, सबसे पहले देखेंगे क्या क्रिया का लिंग वचन, पढ़ता है, पढ़ता है ये क्या हो जाए, क्रिया हमारी कैसी है, क्रिया पुल्लिंग है, पुल्लिंग है और कैसी है हमारी एक वचन है। अगर हमारी पढ़ती होता तो स्त्रीलिंग होती और पढ़ते होता तो बहुवचन होती, लेकिन इसमें क्या पढ़ता, तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन होगी। उसके बाद हम क्या देखेंगे, कर्ता व कर्म के लिंग वचन, देखो इसमें कर्ता क्या है राम, राम क्या पुल्लिंग है और कैसा है एक वचन, पुल्लिंग व एक वचन, तो ये पता चल गया। फिर उसके बाद में देखेंगे हम कर्म के लिंग वचन, कर्म क्या हमारा पुस्तक, पुस्तक कैसी है, पुस्तक कैसे शब्द हमारा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग एक वचन। देखो लिंग आपको पहचानना तो सिंपल सी पहचान है, होता है और होती है लगाकर देख लेंगे, राम होता है तो पुल्लिंग हो गया, पुस्तक होती है तो क्या हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग, और एक वचन है ये तो आपको पता ही है, अगर पुस्तकें होता तो होता हमारा बहुवचन, लेकिन यहाँ क्या है पुस्तक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा एक वचन हो जाएगा। तो देखो ये अब यहाँ के द्वारा हम देखेंगे हमारा कौन सा इसमें वाच्य है, इसमें कर्तृवाच्य है हमारा या कर्मवाच्य है। देखो इसमें पुल्लिंग एक वचन है, कर्ता और क्रिया भी क्या हमारी पुल्लिंग एक वचन है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा जो क्रिया जो है किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है। देखो अगर यहाँ पुल्लिंग एक वचन होता तब हम क्या करते, कर्ता व कर्म का रूप परिवर्तित कर कर देखते, लेकिन यह हमारा पता चल रहा है अभी कि क्रिया जो है हमारी कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है, क्योंकि क्रिया भी हमारी पुल्लिंग एक वचन है और कर्ता भी हमारा पुल्लिंग एक वचन है, तो इसमें वाच्य कौन सा होगा हमारा, इसमें वाच्य हो जाएगा हमारा कर्तृवाच्य। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको और एग्जांपल कराऊंगा। अब देखो कर्तृवाच्य में हमारा एक अपवाद का नियम हो रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जहां ज्यादातर क्वेश्चन हमारे अपवाद में से पूछे जाते हैं। देखो इसमें हमारा अपवाद क्या है, इसमें हमारा अपवाद ये है, यदि हमारा कर्ता के बाद ने विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, कर्ता के बाद में ने विभक्ति का प्रयोग हो रहा है और कर्म कैसा है हमारा, कर्म हमारा विभक्ति रहित है, कर्म विभक्ति रहित है, तब देखो हमारा वाच्य जो होगा हमेशा जो कर्तृवाच्य होगा, ये इसका अपवाद है। मैं आपको एग्जांपल लिखकर बता रहा हूं, राम ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य है हमारा ये राम ने पुस्तक पढ़ी। देखो इसमें क्या है, वैसे आप देखोगे इस नियम के अकॉर्डिंग क्रिया का लिंग वचन, कर्ता व कर्म के लिंग वचन के अकॉर्डिंग, तो इसमें जो क्रिया जो हमारे कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है, लेकिन इसमें हमेशा क्या होता है हमारा कर्तृवाच्य होता है, क्योंकि इसमें क्या है कर्ता के बाद में ने विभक्ति का प्रयोग हुआ और कर्म क्या है हमारा विभक्ति रहित है, तो इसलिए इसमें हमेशा कर्तृवाच्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ पुस्तक क्या है हमारा एक वचन, स्त्रीलिंग शब्द है, पढ़ी भी हमारा एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है और राम क्या है हमारा एक वचन व पुल्लिंग शब्द है। वैसे आप इस नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें क्या है एक वचन स्त्रीलिंग, एक वचन स्त्रीलिंग, क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हो रही कर्म के अनुसार, लेकिन इसमें हमेशा कौन सा वाच्य होता है हमारा कर्तृवाच्य, ये अपवाद का वाक्य है, आपको मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कभी आप कंफ्यूजन में आ जाओ, क्योंकि कर्ता के साथ नई विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो इसमें हमेशा क्या होगा हमारा कर्तृवाच्य है और कर्म क्या होगा कर्म विभक्ति रहित होगा तब। तो आपको समझ में आ गया होगा राम ने पुस्तक पढ़ी या कोई भी वाक्य हो उसमें कर्ता के बाद में नई विभक्ति और कर्म विभक्ति रहित हो तो उसमें हमेशा कर्तृवाच्य होता है, वहां आपको कुछ लगाकर देखना ही नहीं है,
ना क्रिया का लिंग वचन देखना, ना कर्ता का, ना कर्म का, सीधे क्या लगाना हुआ, कर्तृवाच्य। तो देखो ये तो हमारा कर्तृवाच्य का टॉपिक था। अब हम पढ़ेंगे आगे क्या, कर्म वाच्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कर्म वाच्य पैसिव वॉइस, इसमें हमारे क्या होते हैं। देखो ये भी कर्तृवाच्य की तरह ही है। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार थे, यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिया के लिंग वचन, क्रिया के लिंग वचन के लिंग वचन किसके अनुसार होंगे, यहाँ हमारे क्रिया के लिंग वचन हमारे कर्म के लिंग वचन के अनुसार होंगे। कर्मवाच्य की हमारी सबसे बड़ी पहचान क्या, कर्मवाच्य में हमेशा हमारी क्रिया कैसी होती है, हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। हमेशा कैसी क्रिया होती है, हमेशा सकर्मक क्रिया होती है कर्मवाच्य में हमारी, ये इसकी पहचान है। और इसकी एक आइडेंटिफिकेशन और है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसके द्वारा आप आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। देखो क्या होता है, इसमें कर्ता होता है, कर्ता के बाद में या तो से विभक्ति होती है, या के द्वारा, या द्वारा, और इसके बाद में क्या होता है हमारा कर्म, क्योंकि क्रिया देखो हमारी सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया का कोई ना कोई कर्म अवश्य होता है। मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में, कर्म होता है, और कर्म के बाद में क्या होती है हमारी क्रिया। क्रिया की कैसी होगी हमारी, इसमें सकर्मक क्रिया, ये इसकी एक और पहचान है। इसका मैं आपको वाक्य लिखकर दिखा रहा हूं, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। देखो वाक्य आपका ये, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें पूछेगा आपसे कि वाक्य वाच्य हमारे इसमें कौन सा है, कर्तृवाच्य है, कर्मणिवाच्य है, भाववाच्य है। तो इसके आपको दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से देख लो, पहले क्रिया का लिंग वचन देख लो, फिर कर्ता व कर्म के लिंग वचन देख लो, इस तरीके से देख सकते हैं। नहीं तो आप सीधा फॉर्मूला ये वाला भी लगा सकते हैं, इससे आपको आसानी रहेगी। देखो इसमें क्या, राम कर्ता है, राम के बाद क्या है हमारा, के द्वारा विभक्ति है, उसके बाद में क्या है हमारा कर्म है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो वाच्य कैसा हो जाएगा हमारा, इसमें कर्म वाच्य हो जाएगा। या और भी इसके हम वाक्य ले सकते हैं, जैसे हमारे इसमें वाक्य हो जाएगा, दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, तो इसमें हमारा कौन सा वाच्य हो जाएगा। देखो दादी क्या हो गया कर्ता, कर्ता के बाद में क्या के द्वारा, कहानी क्या हो जाएगा हमारा कर्म, और उसके बाद में क्या है क्रिया। तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा, कर्ता प्लस बाद में से या के द्वारा या द्वारा विभक्ति, उसके बाद में कर्म, और उसके बाद में क्या हमारी सकर्मक क्रिया, तो वाच्य कैसा हो जाता है हमारा कर्म वाच्य। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे इसमें वाच्य कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा। और इसमें इसकी आपको सबसे बड़ी पहचान तो है कि इसमें हमेशा सकर्मक क्रिया ही प्रयोग होती है हमारी, और कर्तृवाच्य में सकर्मक व अकर्मक दोनों क्रिया हमारी प्रयोग होती है। तो ऐसा देखो हमारा कर्मवाच्य, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे लास्ट वाच्य क्या होता है हमारा, भाव वाच्य, इंपर्सनल वॉइस। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे क्या, सबसे लास्ट में हमारा क्या भाव वाच्य, भाव वाच्य हमारा क्या होता है। देखो क्रिया के लिंग वचन इसमें क्या होता है हमारे, क्रिया के लिंग वचन, क्रिया के लिंग में वचन ना तो हमारे इसमें कर्ता के अनुसार होंगे, ना ही इसमें हमारे कर्म के अनुसार होंगे। इसमें क्या होता है, हमारी क्रिया हमेशा कैसी होती है, क्रिया हमेशा एक वचन होगी, वह क्या होगी पुल्लिंग होगी, क्रिया हमेशा एक वचन होगी वह पुल्लिंग होगी, इसकी हमारी ये पहचान है। क्रिया हमेशा एक वचन होती है वह पुल्लिंग होती है। और क्या होता है इसमें, इसमें हमेशा अकर्मक क्रिया प्रयोग होती है। कैसी क्रिया प्रयोग होती है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है इसमें, अकर्मक क्रिया। इसके भी हमारी एक आइडेंटिफिकेशन, एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं बिना कुछ लिंग वचन पहचाने कि वाच्य हमारा कौन सा होगा। इसकी देखो फॉर्मूला क्या है, इसका इसका फॉर्मूला है हमारा
कर्ता, कर्ता के बाद में वही हमारा से या के द्वारा या क्या हमारा द्वारा विभक्ति का प्रयोग होगा। और उसके बाद में क्या होगी हमारा, देखो कर्मवाच्य में क्या आता था, इनके बाद कर्म आता था क्योंकि इसमें सकर्मक क्रिया थी, लेकिन इसमें क्या होता हमारा अकर्मक क्रिया प्रयोग होती है। हमें पता है अकर्मक क्रिया का क्या कोई कर्म नहीं होता, तो इसके बाद में क्या कोई कर्म नहीं प्रयोग होगा। उसके बाद डायरेक्ट क्या आ गया हमारी, डायरेक्ट आ गई इसके बाद क्या हमारी क्रिया, ये इसकी हमारी पहचान है। या तो ये भी देख सकते हैं क्रिया हमेशा कैसी होगी, एकवचन या पुल्लिंग, या फिर इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि वाच्य हमारा कौन सा होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं, राम के द्वारा पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ा नहीं जाता है, वाक्य हमारा ये राम के द्वारा पढ़ा नहीं जाता है। देखो इसमें क्या है, कर्ता क्या हो गया राम, उसके बाद में क्या हमारा के द्वारा विभक्ति, देखो के द्वारा ये हो गया ये वाला पोर्शन हमारा, उसके बाद में डायरेक्ट क्या हमारी क्रिया, पढ़ा नहीं जाता है, तो यहाँ क्या कोई कर्म हमारा प्रयोग नहीं होता। ये एक तरीके से मान सकते हैं कि इसमें हमारा भाव का बोध होता है कि राम के द्वारा पढ़ा नहीं जाता है, मोहन के द्वारा उठा नहीं जाता है, मेरे द्वारा बैठा नहीं जाता है। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं नहीं, वो कैसे वाक्य होते हैं हमारे भाववाच्य। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको ये ध्यान रखनी कि इसमें हमेशा नेगेटिव सेंस नहीं होता। कभी आप सोचो कि इसमें नहीं जाता है का प्रयोग होगा, राम के द्वारा पढ़ा नहीं जाता है, मोहन के द्वारा बैठा नहीं जाता है, तो ऐसा कोई इसमें नियम नहीं कि इसमें जो हमारा नहीं का प्रयोग होगा या नेगेटिव सेंस का प्रयोग होगा, इसमें हमारा पॉजिटिव सेंस का भी प्रयोग हो सकता है, उसके द्वारा भी हमें भाव प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यही बात क्या होता है हमारा, राम के द्वारा पढ़ा जाता है, राम के द्वारा पढ़ा जाता है, अगर वाक्य होता हमारा ये राम के द्वारा पढ़ा जाता है, तब भी इसमें हमारा कौन सा वाच्य होता, तब भी इसमें हमारा भाववाच्य होता। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि हमेशा भाववाच्य में तो सर नहीं का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें जो पॉजिटिव सेंस भी हमारा आ जाता है, राम के द्वारा पढ़ा नहीं जाता है, मोहन के द्वारा बैठा नहीं जाता है। इसकी मेन पहचान ये है कि हमारा इसमें जो यहाँ कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता, हमेशा कैसी क्रिया प्रयोग होती है, हमेशा अकर्मक क्रिया का इसमें प्रयोग होता है। या ये भी कह सकते हैं क्रिया हमेशा एकवचन में पुल्लिंग होती है। देखो जैसे यहाँ है पढ़ा, पढ़ा कैसी है हमारी, एकवचन में पुल्लिंग क्रिया है। तो देखो ये तो ये था आपका वाच्य का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक को लेकर, इसमें कर्तृवाच्य, कर्मणिवाच्य, भाववाच्य को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।